पंचोदार अभिनंदन करें। आदरणीय संगठन महामंत्री जी, हम सब कार्यकर्ताओं का दुख सुख में ये तत्पर आंधी तूफान बारिश हो और ये चिंता करते हैं, ऐसे दिल्ली के संगठन महामंत्री भाग्य की ओर पूर्वी दिल्ली गौतम गंभीर जी का काम पर विश्वास रखने वाले मारवा जी ने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, ऐसे मारवा जी से आग्रह करूंगा कि वो आपसे दो शब्द कहना चाहते हैं, उसके बाद स्वागत का कार्यक्रम शुरू करेंगे। मारवा जी, एक मेरी निवेदन है, जो मंच पे अपेक्षित नहीं है कृपया उतर जाए, और जो साइड में जो लोग हैं मारवा जी आह्वान करेंगे वो बिल्कुल अपना स्थान ग्रहण कर लें। मारवा जी टाइम 3 घंटे लगेगा एक एक कार्यकर्ता को ज्वाइन करने में, महिलाओं को भी, इसलिए मैं आप खड़े करूंगा और आप भारत माता की जय करके दोनों हाथ करके कहना भारतीय पार्टी में शामिल हो गए, शामिल हो गए भारतीय पार्टी में, भारतीय पार्टी में शामिल हो गए, भारत माता की जय। जनता पार्टी के अमित शाह जी को भी मुझे सातपुरा स्टेडियम में स्थान दो, वहाँ पर हम ज्वाइनिंग करेंगे। जय श्री राम। और हमारे जो कार्यकर्ता कांग्रेस के जंगपुरा विधानसभा के 3000 कार्यकर्ता, क्योंकि मैंने पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उस वक्त मैंने कहा था अमित शाह जी को कि हम ताल कटोरा स्टेडियम में पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप कल ही ज्वाइन करो। तो जेपी नड्डा जी ने, विनोद तावरे जी ने मुझे हेड क्वार्टर में बीजेपी ज्वाइन कराई, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे पूरे वर्ल्ड की भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र पार्टी में शामिल किया, उनका अपने परिवार में शामिल किया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 3000 और 4000 के बीच में यहां कार्यकर्ता अभी कांग्रेस के पार्टी में शामिल होंगे, और वो घर घर जाके आज से ही जो 13, 14, 15 जी का प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी जी का, कि घर घर जाके झंडे लगाओ, तो हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर आज से ही काम कर देंगे। आप देख रहे हो पूरी मार्केट आज झंडों से लगी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जिन्होंने देश को आज कहां से कहां पहुंचा दिया, आज पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई बात होती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो, सबसे पहले हिंदुस्तान को याद किया जाता है। ये देन किसकी है? ये नरेंद्र मोदी जी की है। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। आज आप सब अभी देखना, यहाँ पर भी कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, और बाजार से सेंटर रोड में कम से कम नहीं, आज तिरंगे की जो रैली निकल रही है उसमें 500 और 1000 कार्यकर्ता, जो कि मोटरसाइकिलों पे सिद्धार्थन जी को, आदेश गुप्ता जी को और गौतम गंभीर जी को रिसीव करके यहाँ पर पहुँचेंगे। जमीनी एमएलए जो 5 बार 3 बार विधायक रहे, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि एक ऐसी पार्टी में आ रहे हैं जो सच्चाई की राजनीति करती है, एक ऐसी पार्टी में आ रहे हैं जिसको दिल्ली को बचाना बहुत जरूरी है। तो मुझे पूरा विश्वास है मालवा जी के आने से भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी और आगे आने वाले समय में जंगपुरा भी मजबूत होगा। बीजेपी एनसीडी चुनाव के मोड में आ गई है? देखिए, बीजेपी हमेशा ही हर चुनाव के मोड में रहती है, तो जब वक्त आएगा आपको पता चल जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ निगम चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली के चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई है सच्चाई और झूठ की।
कि आप लोग कभी ये सवाल ज़रूर पूछ लें एक बारी दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि जो भगत सिंह जी के नाम पे राजनीति करते हैं कि कितने स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल खोले हैं दिल्ली में, क्या दिल्ली को लंदन पेरिस और न्यूयॉर्क बनाया गया है? जो भगत सिंह जी के नाम पे, जो शहीद आज़म के नाम पे राजनीति कर सकते हैं उससे खराब चीज़ क्या हो सकती है? शहीद आज़म किसी भी राजनीति किसी भी चीज़ से बहुत बढ़कर हैं। कभी स्कूल खोलें कॉलेज खोलें तब पता चलेगा कि वो किन को अपना आदर्श मानते हैं।